तो कैन यू टेल मी कि आप PFSI प्रोग्राम में एनरोल करने से पहले आपका क्या पास्ट एजुकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या आप फ्रेशर थे? सर, इससे पहले मैं काफ़ी परेशान था सर जॉब को लेके, बट एज अ जैसे कि बेरोजगारी है इस समय, तो मैं काफ़ी जगह काम कर चुका हूँ इससे पहले, बट वही था मेरा काम मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। सर पूजा दुआ मैम से और अंकुर सर से मैंने सर काफ़ी कोर बैंकिंग की नॉलेज ली है, लाइक RTGS क्या होता है, NEFT क्या होता है। आपकी 3 महीने में पूरी लाइफ चेंज हो गई, मींस पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, आपने आपको कैसे कॉन्फिडेंटली बोलना है, कैसे रिज्यूम बनाना है, कैसे इंटरव्यूज देने हैं। जरूरी है कि 3 मंथ्स में ही आपका प्लेसमेंट हो, अगर आप कैपेबल हो, और आप ये भी है कि आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, तो सर आप 3 मंथ्स के बीच में भी आपका प्लेसमेंट हो सकता है। तो हाय शुभम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कैन यू क्विकली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? हेलो सर, आई एम शोमपाल फ्रॉम गाजियाबाद। आई हैव लर्न लॉट्स ऑफ थिंकिंग फ्रॉम BW स्किल्स। करंटली आई एम प्लेस्ड इन रुपीक गोल्ड लोन कंपनी विद द रेफरेंस ऑफ BW स्किल्स। दैट्स ग्रेट शुभम। सो आई गेस यू आर इन थर्ड बैच। आपने थर्ड बैच में थे आप PW स्किल्स PFSI प्रोग्राम में। ओके, तो आपका रिसेंटली प्लेसमेंट हुआ है रुपीक में, राइट? सर यस सर। तो थोड़ा डिटेल में शेयर करेंगे आपकी क्या प्रोफाइल है वहां पर? सर करंटली मुझे वहाँ पे अभी मेरी जो प्रोफाइल मिली है रूटीन में, तो मेरे को एज रिलेशनशिप ट्रेनिंग मिली है, जिसमें ओके मेरा वर्क अभी, हाँ, जो जो कि 6 मंथ तक मेरा एज अ ट्रेनी रहूँगा। आफ्टर ट्रेनिंग 6 मंथ के बाद आई गॉट प्लेस्ड लाइक अ रिलेशनशिप मैनेजर, एंड इन दिस आई गॉट द इंक्रीज पैकेज। दैट्स ग्रेट शुभम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो कैन यू टेल मी कि आप PFSI प्रोग्राम में एनरोल करने से पहले आपका क्या पास्ट एजुकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या आप फ्रेशर थे, कैसे आपको मोटिवेशन मिला इस प्रोग्राम में एनरोल करने का, उसके बारे में बताएंगे? सर इससे पहले मैं काफ़ी परेशान था सर जॉब को लेके, बट एज अ जैसे कि बेरोजगारी है इस समय, तो मैं काफ़ी जगह काम कर चुका हूँ इससे पहले, बट वही था मेरा काम मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। बट जैसे ही मैंने PW के एड्स देखे, तो मैंने अपना लिंक डाला, अपना नंबर डाला उसमें, तो जैसे आज नंबर डाला मैंने, तो कुछ दिन बाद मेरे पास कॉल आती है। उसमें मेरे को जो मेरे काउंसलर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से मेरे को PW स्किल्स के बारे में समझाया, स्कोर्स के बारे में समझाया, तो वहाँ से मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। तो फिर मैंने वहाँ से उन सार मैडम से पूरा इसके बारे में जाना, जिगर देखा, इसके बारे में समझा, फिर वहाँ से मेरे को लगा कि हाँ ये अच्छा कोर्स है, इसे करने से इन फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ हो सकती है, तो इसलिए मैंने फिर ये कोर्स ज्वाइन किया। और कोर्स करते दौरान सर मेरे को बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी फैकल्टीज से मिलने का मौका मिला, लाइक अंकुर सर, वृंदा मैम, पूजा दुआ मैम, ये 3 फैकल्टी थी मेरी, बहुत अच्छी फैकल्टी थी, इन्होंने इनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा सर। तो आप कुछ डिटेल में तो बताओगे कि आपने क्या क्या स्किल्स सीखी फैकल्टीज से? जैसे कि हमारे कोर्स में हम बात करें तो कोर बैंकिंग है, सॉफ्ट स्किल्स है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या क्या टॉपिक्स आपने सीखे? सर पूजा दुआ मैम से और अंकुर सर से मैंने सर काफ़ी कोर बैंकिंग की नॉलेज ली है, लाइक RTGS क्या होता है, NEFT क्या होता है, ये तो सर छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट बैंकिंग में जैसे ऑपरेशंस के बारे में समझा, ब्रांच के बारे में समझा, काफ़ी कुछ नॉलेज मिली है मेरे को पूजा दुआ मैम के थ्रू और अंकुर सर के थ्रू। वृंदा मैम से मैंने काफ़ी अच्छी सीखा, जो कि लाइफ में, जरूरी नहीं जॉब में, लाइफ में काफ़ी जो सॉफ्ट स्किल्स होती है वो एक स्किल्स होती है, वो स्किल्स होनी बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं BSFI प्रोग्राम में ये स्किल हो, सॉफ्ट स्किल सर अपने किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे आपको वहाँ पे हेल्प करेगी, आपको पर्सनैलिटी क्रिएट करती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करती है। तो वृंदा मैम से ये सब चीज़ सीखा, और अंकुर सर से मैंने काफ़ी इंग्लिश की नॉलेज भी ली है, लाइक ग्रामर की, प्रीपोजिशंस, ग्रामर, नॉन ग्रामर, बेसिकली बेसिक इंग्लिश काफ़ी सीखी मैंने अंकुर सर से। इन तीनों फैकल्टी ने मेरे को काफ़ी अच्छी नॉलेज दी है, तो आज मैं ये जॉब इन्हीं के थ्रू, इन्हीं के रेफरेंस से कर पा रहा हूँ सर, इन्हीं के दिए हुए नॉलेज से। राइट, वेल सेड, थैंक्स शुभम फॉर सर शेयरिंग दिस। तो आपको आपकी 3 महीने में पूरी लाइफ चेंज हो गई, मींस पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, आपने आपको कैसे कॉन्फिडेंटली बोलना है, कैसे रिज्यूम बनाना है, कैसे इंटरव्यूज देने हैं, क्या कोर बैंकिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, ये सब आपने इस कोर्स के थ्रू सीखे। दैट्स ग्रेट। यस सर तो कुछ
प्लेसमेंट जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे क्या शुभम, कि आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद कैसे प्लेसमेंट टीम ने आपकी हेल्प की, सर आपकी एक्चुअली हेल्प क्या हुआ सर, मेरा 3 महीने, मतलब ये कोर्स सर 3 3 मंथ्स का था, बट प्लेसमेंट की इतनी अच्छी स्कीम थी यहाँ पे सर, जरूरी है कि 3 मंथ्स में ही आपका प्लेसमेंट हो अगर आप कैपेबल हो, और आप ये भी है कि आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, तो सर आप 3 मंथ्स के बीच में भी आपका प्लेसमेंट हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल सर मेरा हुआ है, मेरे काफी बैचमेट्स है, उनका भी काफी लोगों का केस का मुथूत में हुआ है, किसी का येस बैंक में हुआ है, काफी लोगों का प्लेसमेंट हुआ है सर, उनमें से एक मैं हूँ सर। मेरा भी 3 मंथ्स के पहले पहले मेरे को रुपीज में ज्वाइनिंग मिल गई है सर। तो आपका ये पहला ही इंटरव्यू था शुभम? यस सर, मेरा एक मुथूत में भी दिया था, बट सर वो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट सर वो मेरे घर से थोड़ा दूर था, बट मेरे को नियर बाय चाहिए था, तो एज अ नियर बाय आई सर आई हैव ज्वाइन दिस दैट्स ग्रेट, कंपनी। दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन शुभम। सो थैंक यू। वुड यू लाइक टू रिकमेंड दिस कोर्स टू अदर्स जो ग्रेजुएट्स हैं आपकी तरह, जिनको अपना करियर बनाने में मुश्किल हो रही है, क्या उनको आप रिकमेंड करना चाहेंगे ये पीडब्ल्यू स्किल्स का कोर्स? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जो भी बीएसएफ सेक्टर में आना चाहेगा, मेरे फ्रेंड्स या कोई भी होगा जान पहचान के रिश्तेदार में, या कोई भी जो भी इसमें एंट्री लेना चाहेगा बीएसएफ इंडस्ट्री में, तो मैं सर जरूर उनको रिकमेंड करूंगा ये कोर्स के बारे में। दैट्स ग्रेट। सो आई थिंक बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके शुभम, और ऑल द वेरी बेस्ट। देखिए ये एक एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ये एक 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 फर्स्ट स्टेप था जो आपने लिया है, आपने खुद डिसीजन लिया, आपने एनरोल किया इस कोर्स में, राइट? आपने स्किल्स डेवलप की, आपने इंटरव्यू दिया और आपका सिलेक्शन हुआ, राइट? अभी आपको बहुत लंबा जाना है, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से काम करिए, राइट? ओके, थैंक्स थैंक्स शुभम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।